गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग कल कुछ थ्योरम को एक लिख के रखे थे। कल का थ्योरम था कि यदि कोई फंक्शन है एफ और जी और दोनों वन वन ऑन टू फंक्शन है तो दोनों का कंपोजिशन जो होगा वो भी वन वन ऑन टू होगा। और दूसरा चीज उसमें एक और था दूसरा कि जी एफ का इनवर्स हम लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लिख लेते हैं थ्योरम, थ्योरम नंबर जो रहा हो If f be a function from x to y and g be a function from y to z, then तब first of all composition of this gf, gf is and r one onto then first composition of these is also one onto and second one is ZF ka whole inverse is equal to F inverse जी इनवर्स। इस तरह का मॉडल अलजेब्रा में भी हम लोग थ्योरम पढ़े थे, ए बी का होल इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। तो ये भी ए का इनवर्स होल करने के बाद रिवर्स एंड दिस इनवर्स भी होता था। तो इस तरह की चीजें पढ़े थे। ये वाला पिछले चैप्टर में भी, इसी चैप्टर में पीछे टॉपिक में भी ये प्रूफ कर चुके थे। थोड़ा सा शॉर्ट में आते हैं, करते हैं प्रूफ। Given दिया हुआ है f from x to y and g from y to z are one on two। फिगर बनाते हैं, फिगर कहाँ बनाए नहीं बनाते हैं। f कोई फंक्शन है फ्रॉम x टू y दिया हुआ, देख लीजिए
GY to Z. Composition of these GF. इतना सवाल समझ गए होंगे। F कोई फंक्शन है फ्रॉम x टू y, g कोई फंक्शन है फ्रॉम y टू z, तो कंपोजिशन ऑफ दोज फंक्शन जी एफ, यहाँ नोटेट किए, डिनोट किए, वो यहाँ से यहाँ होगा, दोनों का गुना समझने के लिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब देखिए इसका इनवर्स कहाँ होगा, तो वहां से यहाँ होगा, इसके इनवर्स को डिनोट कैसे करेंगे जी, जी एफ इनवर्स से करेंगे, वो कैसे करेंगे जानते ही हैं, यदि ये एफ है तो इधर से होगा तो ये क्या होगा एफ इनवर्स, ये इधर होगा तो ये क्या होगा जी इनवर्स, यहाँ से यहाँ जी एफ है तो यदि उसका रिवर्स यानी कि इनवर्स लेंगे तो जी एफ पर ही इनवर्स होगा, इसका इनवर्स ये, इसका इनवर्स ये, इसका इनवर्स ये, ये वन 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 दिया, वन 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 टू, वन 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 टू दिया हुआ है, दिखाना है ये वन 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 टू होगा। एक बात याद रखिएगा, यदि ये वन 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 टू दिखाने के लिए नहीं भी दिया रहता क्वेश्चन में तो आपको दिखाना पड़ेगा, इसलिए ये नेसेसरी ही है आपको दिखाना, यदि इतना लिख करके और सिर्फ ये कह देता ये दिखाइए देन टू प्रूफ इतना, और ये नॉन लिनियर रहता सिर्फ इतना कहता, तो ये आपको अपने दिखाना पड़ता। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दैट कंपोजिशन ऑफ वन वन दिस टू वन 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 टू फंक्शन इज वन वन ऑन टू देन आफ्टर ऑल ये, क्योंकि ये जब तक वन वन ऑन टू ये वन वन ऑन टू ये वन ऑन टू तब ये एग्जिस्ट करेगा और ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा तो फिर ये वन वन ऑन टू होगा तब ना कहेंगे कि ये एग्जिस्ट करेगा, तो ये एग्जिस्ट करेगा उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा ये वन वन ऑन टू होगा, और ये जब एग्जिस्ट करेगा तब ये बराबर दिखा सकते हैं, मतलब ये पहले अस्तित्व में आएगा तब हम दिखाएंगे कि इस तरह का बराबर है, तो अस्तित्व में आने के लिए एग्जिस्ट करने के लिए पहले ये चीजों को आपको दिखाना ही पड़ेगा, क्वेश्चन बोले या न बोले। तो चलिए आते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग जनरल लेते हैं, ये एलिमेंट वगैरह तो दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले लेट एलिमेंट लेते हैं x1 और x2 belongs to capital X, आप देख रहे होंगे such that इस प्रकार से कि f x1 is equal to y1 belongs to y and f x2 equal to y2 belongs to y and और g जी वाई वन एक्स से ही ना यहां से जा रहा है, हाँ जी वाई वन इज इक्वल टू जेड वन बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, अब हम लिखना चालू कर देते हैं जेड को कट करके, जब नोटेशन है देने के लिए, तो फिर जी वाई टू इज इक्वल टू जेड टू बिलोंग्स टू जेड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, इतना मान लिए, अब हमको फर्स्ट में ये प्रूफ करना है। चलिए ये लिखने के बाद यहां लिख रहे हैं फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ दिस फंक्शन जी एफ इज वन वन, ये वन वन फॉर वन अलग कंडीशन याद है कि नहीं, एक्स वन बराबर नहीं है एक्स टू के, इंप्लाय करेगा एफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू, तब कहेंगे implies that f is one one, डेफिनेशन लिखा है थे। आइए लेट मान लेते हैं x1 is not equal to x2, ये दोनों बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे f x1 is not equal to f x2, क्यों, since f is वन वन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये कितना के बराबर है, वाई वन के बराबर है, देखिए वाई वन के बराबर इज नॉट इक्वल टू वाई टू, लिखिए चूंकि एफ एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन एंड एफ एक्स टू इज इक्वल टू वाई टू, इतना कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब implies that g y1 is not equal to g y2
ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि जी भी वन वन है, देखिए जी भी वन वन लिखा हुआ है, सिंस जी इज वन वन, चलिए इम्प्लाइज दैट जी, वाई वन की जगह पे वैल्यू क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू जी एफ एक्स टू, क्योंकि यहाँ पे लिखा है भाई इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, बार लिख चुके हैं, फिर लिखना चाहे थोड़ी बोली लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो ये दोनों एलिमेंट बराबर नहीं, एक लाइन और लिख दीजिए, जी एफ को एक साथ लिख दीजिए और ये एक्स वन हो गया, इज नॉट इक्वल टू जी एफ को एक साथ लिख दीजिए, ये एक्स टू के बराबर। अब ये देखिए ये फंक्शन पक्का वन वन टू जाएगा, पिछले बार वन वन नहीं होगा, वन टू आगे दिखाएंगे, तो उसके बाद क्या करें, मिटा देते हैं। ऊपर देखते हैं जहां तक ये हो गया, दैट इज एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू इम्प्लाइज दैट जी एफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू जी एफ एक्स टू, दस जी एफ इज वन वन। आइए दूसरा ऑन टू, दूसरा नहीं, ये पहला का ही है, वन वन ही है, अब ऑन टू इसमें दिखाना पड़ेगा, दूसरा तो कुछ और था, दूसरा लेट हम लोग मान या सिंस से स्टार्ट कीजिए, इसके बाद एक फिर से किए, सिंस एफ एंड जी आर ऑन टू व्हिच इंप्लाई दैट एफ एफ इज इक्वल टू वाई, ऑन टू होने का मतलब ये होता था पूरा लेके सेट उधर के बराबर जाएगा, एंड जी वाई इज इक्वल टू जीरो, पिछले बार भी प्रूफ किए थे ना, जी एफ लेके चलिए, जी एफ जेड लेके चलिए, कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, जी एफ छोटा सा जेड लेके चलिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ प्लेन एक्स होता तो यहाँ एफ एक्स होता इक्वल टू वाई होता, ये जी वाई होता बराबर जेड होता, ये ऐसे ऐसे होता, ठीक है। ठीक, ये जी एफ जेड बराबर, एफ जेड बराबर क्या होगा, एफ जेड बराबर एफ जेड नहीं एफ एक्स लेके चलिए, एफ एक्स बराबर वाई, जी वाई बराबर ये कैपिटल एक्स लीजिए, ये कैपिटल वाई मिलेगा क्योंकि एफ एक्स बराबर, अच्छे से लिखते हैं, जी एफ एक्स, चूंकि कुछ चूंकि ये साइड दिया जी एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, जी वाई बराबर कितना दिया हुआ है, कैपिटल जेड दिया हुआ है, यहाँ पे चूंकि एफ एक्स बराबर वाई, दैट इज जी एफ एक्स इज इक्वल टू जेड। देखिए जी एफ एक्स, जी एफ एक्स इज इक्वल टू बड़ा वाला Z, ठीक है, फर्क नहीं पड़ा, देयरफॉर GF इज ऑन टू, देखिए तो GF वन वन हो गया, ऑन टू हो गया, अच्छा क्या क्या होगा देख लेते हैं, क्लियर होगा एक बार जी लिखिएगा आराम से समझ में, पीछे किए ये वन वन ऑन टू, ये वन वन ऑन टू, ये भी वन वन ऑन टू, यदि वन वन ऑन टू है तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इनवर्स इनवर्स एग्जिस्ट किया, ये वन वन ऑन टू तो ये इनवर्स एग्जिस्ट किया, ये वन वन ऑन टू तो ये इनवर्स एग्जिस्ट किया,
ये 1 1 1 2 तो ये इनवर्स एडजस्ट किया, सिंस नाउ सिंस एफ जी एंड जी एफ इज 1 1 1 2 हेंस एफ इनवर्स जी इनवर्स एंड जी एफ का होल इनवर्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट किया। और जब ये एग्जिस्ट कर गया, ये एग्जिस्ट किया, अब एग्जिस्ट किया तब उसका दो नंबर हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। नाउ उसका दो नंबर क्या था जी, जी एफ का होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स जी इनवर्स। चलिए लेट जेड बिलोंग्स टू कैपिटल जेड एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना, एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, सच दैट इस प्रकार से जी इनवर्स जेड, जी इनवर्स जेड इज इक्वल टू, जी इनवर्स जेड इज इक्वल टू वाई एंड एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। क्लियर सी बात है भाई, ये इसके साथ इस एलिमेंट के साथ लगेगा तो ये एलिमेंट मिलेगा कि नहीं, इस एलिमेंट के साथ लगेगा तो ये मिलेगा कि नहीं, जाहिर सी बात है रिवर्स में लेके चलेंगे तो वो ऐसा होगा। चलिए ना हम लोग लेते हैं एफ इनवर्स जी इनवर्स, जी के साथ क्या लें जेड इज इक्वल टू एफ इनवर्स जी इनवर्स जेड, जब जेड लेंगे यहां पर तो एफ जी लगेगा तो ये वाई ही देगा क्योंकि वाई से जेड मिला था, तो जब उसके इनवर्स में आएंगे तो रिवर्स चलना पड़ेगा तो जेड से वाई मिलेगा, जेड से वाई मिलेगा। अच्छा जब ये वाई मिला तो ये एक्स मिलेगा कि नहीं, ये एफ इनवर्स ये क्या मिला एक्स मिला, तो इधर से हम लोग लेके चले एफ इनवर्स जी इनवर्स जेड implies that F inverse G inverse Z implies that F inverse G inverse Z is equal to X। Z से direct X मिलेगा या नहीं मिलेगा through इसके reverse में आएंगे तो Z F का whole inverse Z की जगह ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, चूंकि G चीज समझना पड़ेगा, इसमें ये लगा तो ये मिला, फिर इसमें ये लगा तो ये मिला, अच्छा इस ये इसमें लगता तो इधर मिलता, तो जेड से डायरेक्ट एक्स पे पहुंच गए इसके माध्यम से। बाय डेफिनेशन ऑफ कटा भी दीजिएगा ये जेड जेड बाय इनइक्वालिटी ऑफ मैपिंग इनवर्स मैपिंग बाय इनइक्वालिटी ऑफ इनवर्स मैपिंग लिख लीजिएगा। देखिए तो ये बराबर हुआ कि नहीं, क्लियर है,
अच्छा है तो प्रूफ हो गया, दैट इज करके लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इज जी एफ का होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स जी इनवर्स, बहुत क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। चलिए आगे आते हैं, लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई एंड एंड ए आई आई बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा बी द इंडेक्स फैमिली इंडेक्स्ड फैमिली सबसेट ऑफ वाई देन फर्स्ट आई एफ इनवर्स इंटरसेक्शन इंडेक्स लैम्डा ए आई is equal to I belongs to index lambda AI and second F inverse index union I belongs to index lambda AI is equal to union I belongs to index lambda AI proof proof let x मान लीजिए be an arbitrary element, तो प्रूफ किए थे जिस तरह उधर उसी तरह ही होगा, कुछ है ही नहीं इसमें, I belongs to इतना implies that by definition of set inverse function fx belongs to इतना fx belongs to AI for all I belongs to index lambda implies that by definition of inverse set function inverse belongs to AI for all I index lambda X belongs to intersection I belongs to itna F inverse AI। अब देखिए तो इस चीज को और इस चीज को देखा है हमने, ये दोनों मिला के कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये एफ इनवर्स दैट इज करके एफ इनवर्स आई बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा इतना ए आई इज द सबसेट ऑफ आई बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा एफ इनवर्स ए आई इक्वेशन नंबर अल्फा, क्लियर है। अगेन यदि इधर से लेंगे पहले ये लेंगे ये लेंगे तो ये होगा वाई करके मान सकते थे, जनरली लिखिए जैसे लिखते हैं हम लोग पहले से लिखते आ रहे हैं, वाई वगैरह नहीं मानेंगे। आई बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा एफ इनवर्स ए आई इज द सबसेट ऑफ एफ इनवर्स आई बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा ए आई इक्वेशन अल्फा and beta implies that f inverse I intersection I belongs to index lambda AI is equal to intersection itna f inverse AI दोनों बराबर हो गया। यूनियन के लिए भी उसी तरह से करेंगे, ये यूनियन कर देंगे। चलिए दूसरा दूसरा प्रूफ कर रहे हैं, ये यूनियन हो गया
ये यूनियन हो गया यहाँ फॉर एटलीस्ट वन, यहाँ फॉर एटलीस्ट वन, फॉर एटलीस्ट आई बिलोंग्स टू लैम्डा, फॉर एटलीस्ट आई बिलोंग्स टू लैम्डा। चलिए ये यूनियन हो गया, फिर ये भी यूनियन हो गया, 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 और फिर ये भी यूनियन हो गया, ये भी यूनियन हो गया। क्लियर है? देख लीजिए एक बार, ये इसमें माने इसको ये लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ सेट फंक्शन से, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ सेट फंक्शन ये हो गया। फिर ये तो जानते हैं फॉर एटलीस्ट वन यूज करते हैं, फॉर एटलीस्ट वन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा, फॉर एटलीस्ट वन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा फॉर एटलीस्ट वन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा, कम से कम एक में, भाई पिछले थ्योरम में भी यूज किए थे इतना इतना। इसके बाद ये इसका सबसेट हो गया अल्फा, ये इसका सबसेट हो गया बीटा, वापिस करके 1112 है, इनवर्स है, एग्जिस्ट किया है तो 1112 रहा होगा, तो इस हिसाब से इसको आप लिख लीजिएगा। इस थ्योरम को ये बीच में डाल दिए, अभी जो थ्योरम खत्म किए पिछले वो लेक्चर के बाद हमको ये देना चाहिए था, तो वो बीच में डाल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ये थ्योरम पूछेगा या इसके पहले वाला या फिर इसके आज जो फर्स्ट में बताया इस लेक्चर में वो वाला। चलिए अब एग्जाम्पल आता है उसमें कि आप यहाँ तक सिलेबस में दो क्वेश्चन आपका फुलफिल हो गया और यहाँ तक में एग्जाम्पल आ सकता है ये क्या कि कोई ऐसा एग्जाम्पल दें कि वो 1112 नहीं रिलेशन का कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव नहीं हो, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बीच में सिमेट्रिक नहीं हो, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं। तो इस एग्जाम्पल को नहीं होगा तो एक क्लास इसमें ले लेंगे, काफ़ी है 45 मिनट 50 मिनट का क्लास, और स्पीड पढ़ाने का कारण भी है कि आप रोक करके रिवर्स करके सुन सकते हैं, तो कम छोटा हो, शॉर्ट वीडियो हो और ज़्यादा मटेरियल हो उसमें, इस बात का भी हम ख्याल रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग कोई एक नए चैप्टर में आते हैं, वो हम कोशिश करेंगे मॉडर्न में ही आ जाएं, क्योंकि दो क्वेश्चन इस ग्रुप में हो गया तो मॉडर्न में आ जाएं, या फिर देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि किस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अगले दिन से।